अपनी संपत्ति दान करने की घोषणा की। ये सोची कितनी बड़ी बात थी, क्या उनका परिवार नहीं था, क्या उनके बेटे नहीं थे, क्या उनकी संतानें नहीं थी। हर व्यक्ति, हर पिता अपनी संतान के सुख के बारे में सोचता है, लेकिन उन्होंने इस पूरे क्षेत्र की जनता, इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को अपना अपनी संतान माना, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं। और इसीलिए अपनी सारी संपत्ति एक ऐसे पुण्य कार्य में दान कर दी, यहाँ पर एक शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए दान कर दी, कि जिससे यहाँ का युवा पढ़ सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि बुंदेलखंड में इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत कभी नहीं रही कि यहाँ का कोई भी परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज सके। दो बार नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा है शिक्षा में, तो सागर में एक नया कैम्ब्रिज बना के बताऊंगा। और उन्होंने सच में सागर में नया कैम्ब्रिज बनाया, और हम सब उनके मानस पौत्र हैं। हम समझते हैं कि शिक्षा की सरस्वती के दान से बड़ा कोई दान नहीं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न जीनम न गुणो न धर्म के मृत्यु के भूमिभार निराश्रम, जिनमें ज्ञान नहीं है ये शाम न विद्या नहीं है न तप करता है कोई। रोज रोज जाकर कचहरी में खड़े होकर घंटों बहस करना जो है वो एक तरह की तपस्या है। ब्रिटिश सरकार ने हरी सिंह गौर के ज्ञान का बड़ा सम्मान किया, हरी सिंह गौर को सर टाइटल दिया ब्रिटिश सरकार ने। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1922 में दिल्ली में विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार किया, तो वाइस चांसलर, पहले वाइस चांसलर सागर के डॉक्टर हरी सिंह गौर बने।